और एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें कि आर्मी की गाड़ी लेकर भाग रहे संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर के सचेंडी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद से आर्मी की गाड़ी लेकर भाग रहा था ये संदिग्ध। मौके पर पहुंचे सीओ सदर युवकों की जांच में जुटे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इसमें शुरू करेंगे हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी का। नीरज, क्या कुछ जानकारी इस बीच इस मामले को लेकर? देखिए अंजलि, अभी जो जानकारी मिल पा रही है वो बताया जा रहा है कि इलाहाबाद से एक संदिग्ध व्यक्ति था, वो आर्मी की गाड़ी लेकर भागा हुआ था जी। और कानपुर में महाराजपुर में उसको रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको तोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहा था, तो कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस ने, सचेंडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि अभी जो आला अधिकारी है मौके पे हैं और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। नीरज, प्राथमिक तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है, कौन है युवक या युवक की शिनाख्त हो पाई है या फिर किस वजह से वो ये आर्मी की गाड़ी लेकर भाग रहा था? क्या इन तमाम चीजों का, इन तमाम वजहों का साफ हो पाया है? पुलिस अगर पूछताछ में जुटी है तो अंजलि, अभी पूरी तरीके से साफ तो नहीं हो पाया लेकिन पुलिस जरूर इस मामले को गंभीरता से ले रही है क्योंकि आर्मी की गाड़ी है, कहीं ये व्यक्ति किसी आतंकी संगठन से ना जुड़ा हुआ हो और या तो या कोई चोर है, दोनों ही पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। अंजलि बिल्कुल, नीरज आप भी लगातार नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि आखिर इस गाड़ी को ले जाने का कारण क्या है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो कानपुर के सचिंडी पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये युवक आर्मी की गाड़ी को लेकर भाग रहे थे। संदिग्ध युवकों से पूछताछ इस बीच की जा रही है। आपको बता दें कि मौके पर सीओ सदर युवकों से जांच में जुटे हुए हैं और तमाम कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं।